नमस्कार जी, मैं शिफाली, सीक्रेट ऑफ योर लाइफ प्रोग्राम में आपका तहे दिल से स्वागत करती हूँ। एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हैं सीक्रेट ऑफ योर लाइफ प्रोग्राम लेकर। ये प्रोग्राम जो है वो आर्ट ऑफ लिविंग है, आपको ज्ञान बांटने वाले एपिसोड है। ये ऐसे एपिसोड हैं ना ही कभी किताबों में आपको सुनने को मिलेंगे और ना ही कभी आपने कहीं से सुना होगा। तो आज बात करेंगे हम अंतरदशा की, महादशा की, लेकिन जो एपिसोड हमारा अधूरा रह गया था उस एपिसोड को हम कंप्लीट करेंगे। तो पहले स्वागत कर लेते हैं प्रोफेसर गुरदीप रोड़ा साहब का। प्रोफेसर ओम नमः शिवाय। नमस्कार, ओम नमः शिवाय शिवाली जी। ओम नमः शिवाय गुरु जी। प्रोफेसर, पिछला एपिसोड हमारा था महादशा के ऊपर, लेकिन मैंने अभी स्टार्टिंग बृहस्पति से की तो आपने बृहस्पति के ऊपर ही बोल दिया। हालांकि आपके पास इतना ज्ञान का भंडार है, मुझे लगता है कि आगे वाले 9 एपिसोड हैं वो भी आप बृहस्पति पे बोल सकते हैं। प्रोफेसर, आज बात करेंगे हम सूर्य देव की महादशा से, लेकिन इस एपिसोड में हमने सारे 9 के 9 ग्रहों की बात करनी है, एक सूर्य देव पर एपिसोड नहीं करना है। तो प्रोफेसर, अगर सूर्य की महादशा आए तो हमें किन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए, कौन सा रतन धारण करना चाहिए? बहुत सब कुछ शिवाली जी, आपने दशा महादशा मैंने बताया था कौन सी दशा जल्दी आपके ऊपर कारगर होती है, कौन सी दशा आपके ऊपर काम करती है। प्राण, सूक्ष्म, अंतर, प्रयंतर, महादशा तो लंबी चलती है, लेकिन सभी ग्रहों के बारे में जो सभी दशाएं हैं वो बताऊंगा शॉर्टकट में, नहीं तो ये भी दशा ऐसी अधूरी ही रह जाएगी। जैसे गुरु की महादशा भी मैंने पूरी नहीं की थी, एपिसोड कंप्लीट हो गया। चलो पूरी करते हैं, सूर्य देव से लेकर केतु तक। सूर्य देव की जब भी महादशा आती है तो आपको क्या सिखाती है? डिसिप्लिन। सूर्य देव गर्मियों में, जुलाई अगस्त के महीने में, जैसे कि जून में, 25 जून में मान लीजिए सबसे बड़ा दिन होता है, पता है सबको, तो तब सूर्य देव 5:17 पर उदय होते हैं। सुन लीजिए बहुत ध्यान से जितने भी ज्योतिषी हैं, 5:17 पे सूर्य उदय होते हैं। तो डिसिप्लिन देखिए, मैंने पहले से बता दिया, यानी कि हमारा तो मार्च का महीना भी चल रहा है तो मैंने जून की बात कर दी। तो इसलिए ज्योतिष यही आपको सिखाती है कि जब भी आप सूर्य की महादशा लगे तो आप पंचुल हो जाए। वो समय का देवता है। समय का देवता कौन है? सूर्य देव। क्योंकि सूर्य नहीं निकलता, दिन और रात नहीं होते भाई, सूर्य नहीं निकलता और समय का पहिया नहीं चलता, इसलिए समय का देवता सूर्य देव है। तो आपने डिसिप्लिन सीख लेना, सबसे पहले सूर्य उदय से पहले उठिए और अपना काम पहले से ही, इतने बजे मैंने ये करना है, इतने बजे ये करना है, इतने बजे ये करना। अगर मैंने 8 बजे ऑफिस पहुंचना है तो 7:30 आराम से चलूंगा, 5 मिनट का या 10 मिनट का रास्ता है, लेकिन 20 मिनट मेरे पास फालतू हैं तो मैं रास्ते में आनंद करता हुआ जाऊंगा। ये क्या कर रहा है, उसकी अवस्था कैसी है, उसकी अवस्था कैसी है। तो सूर्य देव आपको डिसिप्लिन और टाइम टेबल सिखाते हैं, तो पहले से सीख लीजिए। और बॉस की इज्जत, मान सम्मान, जहां पे जॉब करते हो जितने भी सीनियर हैं उनको बड़े प्यार से बुलाइए, उसका इज्जत मान सम्मान कीजिए। जितनी आप खार दिल में रखोगे उसके लिए उतना ही आपको सूर्य देव खराब करेंगे। ध्यान से सुनिए, सबसे बड़ा सूर्य देवता आपका पिता, पिता के पैर ही हाथ लगाना शुरू कर दीजिए, उसकी इज्जत मान सम्मान करना शुरू कर दीजिए। जब भी सूर्य की महादशा आए, सूर्य जितने भी आपके पिता समान लोग हैं उनका आदर मान सम्मान कीजिए। ऑफिस में जाते ही सीनियर जितने भी हैं आपके उनको ढंग से बुलाइए, उनको नमस्ते कीजिए, और आपकी सूर्य की महादशा कभी जीवन में खराब नहीं जाएगी, मैं लिख के देता हूँ। नहीं तो हर इंसान की सूर्य की दशा खराब होती है। कैसे खराब होती है? सूर्य देव करूर ग्रह हैं। करूर, करूर का मतलब समझते हैं, बहुत गुस्सा करने वाले, लेकिन पापी ग्रह नहीं है, करूर है। गुस्सा क्यों करते हैं भाई? जब आप समय के अधीन नहीं रहते, समय के उल्ट चलते हैं, उठना सुबह 10 बजे, 9 बजे, 8 बजे, तो वो क्या करें, वो तो अपनी क्रूरता दिखाएंगे ही। इसलिए जिंदगी में वो इंसान कभी कामयाब नहीं होता जो सूर्य के अधीन नहीं चलता, जो सुबह जल्दी उठता नहीं,
देखिए जितने भी पूरी दुनिया में पंछी हैं, पूरी दुनिया में लिख लो पूरी दुनिया में, वो उड़ते हैं, सूर्य के अधीन रहते हैं। उड़ने वाले जितने भी पंछी हैं वो सूर्य उदय से पहले उठते हैं। नोट कीजिए, आज तक कोई भी जीवन में आपने आज तक ऐसा पंछी नहीं देखा होगा जैसे कि सूर्य निकल आया वो सो रहा हो। जानवर जरूर देखे होंगे लेकिन पंछी नहीं देखा होगा। पंछी हवा में रहते हैं, उड़ते हैं, सूर्य की अधीन रहते हैं, इसलिए वो कामयाब होते हैं। तो आप पंछी के जैसे बन जाइए जब सूर्य की महादशा लगे आपको। तो अब अगली महादशा बताता हूं, नहीं तो फिर एक एपिसोड सूर्य के ऊपर फिर हो जाएगा, फिर ऐसे रह जाएगा। अब भाई बात चंद्र की महादशा। चलो सूर्य की महादशा में आपको उपाय भी बता देता हूं, जैसे कि गुरु की महादशा में उपाय मैंने बताया था हल्के पीले रंग के कपड़े पहनने हैं। सूर्य की महादशा में आप ऑरेंज कलर के कपड़े डाल सकते हो, डार्क थोड़े से पीले जो लाली में होते हैं ऐसे कपड़े डाल सकते हो, तो सूर्य के कलर के कपड़े डाल सकते हो शर्ट जब भी सूर्य की महादशा लगे, और मानिक स्टोन धारण कर सकते हो। मानिक ग्लास फिलिंग नहीं लेना, सिडान का ले लीजिए, अगर पैसे वाले हो तो ब्रह्मा का ले लीजिए। तो ऐसा मानिक धारण करना है, तांबे में पहन सकते हो, गोल्ड में पहन सकते हो, वैसे तो गोल्ड में पहनना चाहिए क्योंकि सूर्य की धातु गोल्ड ही होती है 24 कैरेट। तो इसको क्या करना है, आपने सूर्य के जब भी सूर्य की दशा महादशा आती है सूर्य का दान यानी कि गुड़ का दान, शहद का दान कर सकते हो। ये तो मैंने सूर्य की महादशा के बारे में बता दिया। अब भाई बात चंद्र की महादशा। चंद्र की महादशा क्या सिखाती है आपको? चंद्र शीत ठंडा, देखिए ना रात को चंद्रमा निकलता है, चांदनी रात होती है, तो आप छत के ऊपर जाके देखिए ठंडी ठंडी हवा आपके बदन को छूती जाती है, तो ठंडे हो जाइए सबसे पहले। अगर ज्ञान चंद्र की महादशा में सबसे पहले गुस्सा करना बंद कर दीजिए। जितना गुस्सा करना बंद कर दोगे उतनी ही आपकी लाइफ स्मूथ हो जाएगी। चंद्र लिक्विड मणि का कारक है, जैसे ही गुस्सा करना बंद किया वैसे ही चंद्र अच्छा हो गया, वैसे ही आपकी जो दी हुई मनी जिन जिन लोगों को पैसा दे रखा है वो वापस आना शुरू हो जाएगा। जब भी चंद्रमा अगर और ठंडा करना चाहते हो तो आपने सफेद चंदन का तिलक लगाना शुरू कर दीजिए माथे के ऊपर, और भी ठंडा हो जाएगा। मां सम्मान, जितनी स्त्रियां हैं माता है, इज्जत मान सम्मान करना शुरू कर दीजिए क्योंकि चंद्रमा मां ही है। तो चंद्रमा गंगा मैया, तो आप गंगा स्नान जरूर कीजिए। जब गंगा स्नान इंसान करता है तो चंद्रमा की महादशा में गंगा स्नान करता है, तीर्थ यात्रा करता है, दिमाग ठंडा रहता है, पैसे घर में आते जाते हैं, वो इंसान यात्रा करता रहता है तो फल मिलता है। नहीं तो ऐसे होता है ज़्यादातर, क्या होता है जब यात्रा करने जाते हो पीछे नुकसान होता है, ज़्यादातर ऐसे होता है। लेकिन अगर मेरे हिसाब से अच्छे ज्योतिषी के हिसाब से चलते हो तो कभी नुकसान नहीं होता। लिक्विड मणि आनी शुरू हो जाती है जो चंद्र से आती है, तो इसलिए वाइट कपड़ा धारण करना शुरू कर दीजिए। मोती, गोल मोती, बसला का मोती नहीं मिलता भी, गोल मोती धारण कीजिए, गोल्डन कलर का मोती धारण कीजिए, तो आपको चंद्र बेनिफिट देगा। जो चंद्र की महादशा आती है ज्यादातर मिर्गी के दौरे पड़ने शुरू हो जाते हैं, ज्यादातर इंसान डिप्रेशन में जाना शुरू हो जाता है, ज्यादा खाना शुरू कर देता है, मोटापा बढ़ना शुरू हो जाता है, खाना बंद कर देता है, गैस बननी शुरू हो जाती है, बंदा और भी मोटा हो जाता है। देखिए तो शरीर का ध्यान रखिए। जब भी चंद्र की महादशा या अंतर्दशा आती है तो इंसान को बीमारियां लगती हैं, तो खाना समय के मुताबिक खाओगे तो कभी भी, समय जो है, समय का देवता कौन है अभी भी मैंने बताया, सूर्य देवता। तो सूर्यदेव किसका कारक है, पेट का। तो पेट में कभी बीमारियां जितनी भी लगती हैं तो सूर्य से लगती हैं। जब आप बाहर का खाना पीना शुरू कर देते हो, कुछ भी खाना पीना शुरू करते हो तभी पेट खराब होता है, ऐसे कभी जिंदगी में पेट खराब नहीं होता, सूर्यदेव कभी खराब नहीं करते किसी इंसान का। तो इसलिए चंद्र की महादशा आई तो वाइट कपड़े धारण करने हैं, तो ठंडा रहना है भाई, माथे पे सफेद चंद्र का तिलक लगाना है और माता के पाँव को हाथ लगाना है। अगर ऐसे करते हो, बुजुर्ग जितनी भी स्त्रियां हैं, चाहे वो बुजुर्ग भुआ हो सकी है, चाहे मासी आपकी बहुत बुजुर्ग है, वो भी चंद्र ही बन जाती है। सफेद वाल जिसके आ जाते हैं वो चंद्र बन जाते हैं, पहले ये बात ध्यान रखिए। ये ना सोचिए कि वो तो मेरी मासी है, वो तो बुध ग्रह है, अगर बुध ग्रह के सफेद वाल आ गए तो वो चंद्र ही है। मैं बताता हूं ना, जितने भी स्त्री ग्रह हैं
वो चौथे घर के कारका होते हैं। देखिए बहुत ध्यान से, बुध ग्रह बेटी, आपकी बेटी, फिर चौथे घर में, वही चौथे घर में शुक्र ग्रह, वो किसी की पत्नी बनी, फिर शुक्र ग्रह से चंद्र बन गई, यानी कि माता बनी। माता कैसे बन गई, जब सफेद बाल आ गए, यानी कि वही बेटी थी, वही माता बनी, वही नानी बनी, वही दादी बनी, वही परदादी बनी, वही परनानी बनी। तो क्या हो गया, वही चंद्र बन गया, पूरन चंद्र। तो चौथे घर के जो कार ग्रह हैं तीन हैं, बुध शुक्र चंद्र। तो बहुत ध्यान से सुनना, ये ज्योतिष एक बहुत बड़ा समंदर है, इतना बड़ा समंदर, पृथ्वी के समंदर से लाखों करोड़ों गुना बड़ा समंदर है, इसको जानना बहुत कठिन है। अब आई बात बुध के बाद मंगल ग्रह की, क्योंकि गुरु की ग्रह की बात हम कर चुके हैं। मंगल की जब महादशा आती है तो दोस्त मित्र जितनों के साथ आपने रिश्ते खराब किए होते हैं, उसको ठीक कर लीजिए। सबसे पहला रिश्ता जो नानकों के साथ खराब करते हैं, तो जो खून खोलता है आपका, गुस्सा बहुत ज्यादा आता है, तो सूर्य उदय से पहले उठना शुरू कर दिए, गुस्सा कम हो जाएगा आपका। मंगल की महादशा में आपको झगड़े, लड़ाइयां और कोर्ट केस भी हो जाते हैं मंगल की महादशा में। मंगल की महादशा कभी भी इंसान के ऊपर अच्छी नहीं जाती। ये मैंने क्यों बोला, क्योंकि मंगल की महादशा भी करूर ग्रह की होती है। मंगल भी करूर ग्रह है भाई, अग्नि ग्रह है, करूर ग्रह है, पापी ग्रह नहीं है, क्योंकि देवता ग्रह है, पाप नहीं करता वो। तो इसलिए लड़ाइयां झगड़े आपके मंगल की महादशा से आते हैं। तो वहां कच्चे दूध की मालिश करके नहाना शुरू कर दिए जब मंगल की महादशा आए। तो आपने क्या करना है, शिवलिंग के ऊपर आपने कच्चे दूध में थोड़े से चावल डालकर, आपने गुलाब की पत्तियां डालकर शिवलिंग के ऊपर जाना हर सोमवार को, 8 सोमवार, 16 सोमवार, 20 सोमवार, जितने भी करोगे उतना अच्छा रहेगा मंगल, उतना ज्यादा अच्छा फल देगा आपको। मूंगा धारण करना है, जापानी मूंगा धारण कर सकते हो आप, इसका ऑरेंज कलर होता है, पीछे व्हाइट लाइन होती है, व्हाइट लाइन ना हो थोड़े थोड़े व्हाइट धागे होते हैं, लेकिन जापानी मूंगा धारण करने से ये सूखता नहीं है, बहुत अच्छा होता है, ये जापानी लकड़ी होती है तो बहुत अच्छा मूंगा होता है, ये धारण कर सकते हो। और लेकिन दोस्त मित्रों के साथ आपके रिलेशन खराब होंगे, अगर मंगल खराब चल रहा है, रिश्ते नातों के साथ मंगल खराब होंगे, मंगल कार्य आपके बंद हो जाते हैं, घर में शादी विवाह हो नहीं पाता, नानके खराब हो जाते, बर्बाद हो जाते हैं जब भी मंगल की महादशा आती है। तो मंगल की महादशा में मैंने अभी अभी बताया उपाय क्या करना है, आपने कच्चे दूध की मालिश करके नहाना है, तो मंगल की महादशा कभी भी आपको खराब नहीं करेगी। तो आपने शिवलिंग के ऊपर जाना है, थोड़ा सा कच्ची लस्सी बनाकर, चावल बीच में डालकर, फूल की पत्तियां बीच में डालकर, गुलाब की फूल की पत्तियां भाई बीच में डालकर शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ाइए। तो देखिए कभी भी मंगल देव आपका बुरा नहीं करेंगे, क्योंकि शिव के अधीन ही है सभी ग्रह। बहुत ध्यान से शिव की फोटो को देखिए, अगर शिव की पिक्चर बनाई इस तरीके से गई है कि आपको पूरी दुनिया का ज्ञान हो जाता है, लेकिन कोई इंसान पिक्चर नहीं देखता, माथा टेकता है। कोई भी पिक्चर देवी या देवता की बनाई होती है, उसके पीछे कहानी होती है, उस कहानी को समझा कीजिए कि ये पिक्चर ऐसी ही क्यों बनाई गई। जैसे मैं शॉर्ट में बता देता हूँ, राख आप राख बन जाओगे, खोपड़ियों की माला आप ऐसे हो जाओगे, सांप काल का सांप कभी भी डस सकता है, चंद्रमा अंधेरी रात में, चांदनी रात में कभी भी मर सकते हो आप। बहुत ध्यान से सुनने वाली जटाएं, गंगा आपके घर में ही बहती है, इसी गंगा में ही आपने जाना। तो ये रूप क्यों बनाए जाते थे, आपको समझाने के लिए। इसलिए कभी भी जिंदगी में अगर आप चंद्र का उपाय करते हो, चंद्र क्या है, सभी ग्रहों की माँ, यानी कि रानी, सबको दुखों को दूर करते हैं। तो इसलिए कच्चे दूध की मालिश करके नहाना है, तो मंगल ग्रह कभी भी आपको जो महादशा अंतरदशा खराब चल रही है वो कभी खराब नहीं जाएगी। अब बात आती है बुध ग्रह की। जब भी बुध ग्रह की महादशा अंतरदशा आती है तो इंसान दिमाग दौड़ाना शुरू करता है, कभी कुछ करता है, कभी कुछ करता है, कभी कुछ, चार बिजनेस बढ़ा देता है, वो सारे के सारे डाउन हो जाते हैं। बुध क्या है, खाली बर्तन, दिखने में बहुत कुछ, अंदर से खोखले। तो ये हरी जितने भी पेड़ पौधे घर पे लगाते हो तो बुध ग्रह कभी खराब नहीं होते। नॉर्थ अपना हिस्सा खाली छोड़ते हो, बुध ग्रह कभी खराब नहीं होते। बहन भुआ मासी को मिठाई बांटते हो, कभी भी बुध ग्रह खराब नहीं होते। अगर आप
अपनी कहते हैं कि बहन की इज्जत मान सम्मान करते हो, वहां जाके आते हो, रिश्ते निभाते हो, तो कभी बुध ग्रह खराब नहीं होते। किन्नरों से आशीर्वाद लेते हो, मिठाई दे के आते हो, तो कभी भी बुध ग्रह खराब नहीं होते। सबसे पहले हरियाली, नॉर्थ में, घर के नॉर्थ में हरियाली लगानी शुरू कर दीजिए। बाग बगीचा बनाइए, बड़े बड़े अच्छे अच्छे फूल लगा लीजिए, हरियाली के जितने भी पौधे हैं वो लगा लीजिए। कभी भी बुध ग्रह खराब नहीं होते। जो 20 साल की दशा आती है तो नहीं तो तसीहे देती है भाई, बहुत ज़्यादा अप डाउन रहता है इंसान। बिजनेस में अप डाउन रहता है, कहते करूँ तो क्या करूँ, बिजनेस पे बिजनेस बदलता है, भाग दौड़ लगी रहती है, टिककर बैठ नहीं पाता, घर बिक जाते हैं, सब कुछ चला जाता है। बुध की महादशा में ही देखिए, अगर ठीक होना चाहते हो उपाय मैंने बता दिया, लेकिन कलर कौन सा डालना है, अगर बुध की महादशा पे कद्दू रंगा, जो कहते हैं ना घिया कलर होता है, उस कलर का सूट, उस कलर की शर्ट डालनी शुरू कर दीजिए और ग्रीनरी लगानी शुरू कर दीजिए और ग्रीनरी में रहना शुरू कर दीजिए, अपने इर्द गिर्द पौधे लगा लीजिए, बुध की महादशा कभी खराब नहीं जाएगी। अब आप बात आती है शुक्र ग्रह की। शुक्र ग्रह, जब भी शुक्र ग्रह की दशा आती है कहता है लग्जरी मिलेगी, सब कुछ मिलेगा, कुछ भी नहीं ऐसा होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि गाड़ियां आपने काली रखी हुई हैं, सफेद गाड़ी रखी है, परफ्यूम लगा के रखिए, साफ सफाई आप अपनी रखते नहीं। तो शुक्र क्या सिखाता है? शुक्र जब भी आता, कोई ना कोई महादशा आती है तो सिखाने के लिए आती है। तो शुक्र ग्रह की महादशा आती है, आप गंदगी में रह रहे थे, पहले आपको साफ सफाई कराएगा, पहले पैसा देगा तो ताकि घर सुंदर ले लीजिए। अगर पैसा आने के बाद आप उसी घर में रह रहे हो तो जितना पैसा आपके पास था वो भी छीन लेगा, जितना आया था वो भी छीन लेगा। ये शुक्र की प्रकृति है, शुक्र की कहते हैं ना नेचर है, ये शुक्र ग्रह की ये नेचर है, अय्याशी करवाता है। अय्याशी करवाने के साथ जो आपके साथ जुड़ा होता है सब कुछ छीन लेता है। तो वो तभी खराब होता है अगर आप अपने घर में सफाई नहीं रखते, आप अपने काले पीले कपड़े डालते हो शुक्र ग्रह की दशा में। शुक्र ग्रह की दशा में आपने क्रीम कलर चमकदार कपड़े थोड़े से डालने शुरू करने, जिसमें एक सिल्की धागा हो, तो ऐसे कपड़े डालने शुरू कर दीजिए। परफ्यूम लगा कर रखिए, आप हमेशा अपनी स्त्री का इज्जत मान सम्मान कीजिए। इस जितने भी आपके घर में लेडीज हैं, तो जैसे भाभी है, कोई भी है, तो उनका इज्जत मान सम्मान कीजिए। आपकी साली है तो उनको सम्मान दीजिए। तो अगर आप ऐसा करते हो तो आपकी शुक्र ग्रह की महादशा कभी खराब नहीं जाती भाई। शुक्र ग्रह क्या है भाई? गैसों का गोला, बहुत ज़्यादा गैसें हैं वहाँ पे भाई शुक्र ग्रह के ऊपर। तभी तो शुक्र ग्रह हमारे किसका नाभि से चार उंगली नीचे का काम का है। तो ये यहाँ पे भी गैसें ही होती हैं। शुक्र ग्रह आपको भटकाता है, शुक्र ग्रह नशे की ओर लेके जाता है। जब भी शुक्र ग्रह की महादशा आती है, इंसान पूरी दुनिया के गलत काम करना शुरू कर देता है और उजड़ जाता है, बर्बाद हो जाता है। तो कभी भी जब भी शुक्र देव के अधीन जाते हो, जब वो जो चाहता है, वो क्या चाहते हैं, वो चाहते हैं अपने गाड़ी की सफाई, अपने घर की सफाई, अपना इर्द गिर्द जहाँ पे आप रहते हो वो साफ होना चाहिए, सफ़ेद कलर होना चाहिए, चमकदार होना चाहिए, ग्लोसी होना चाहिए, जैसे दुबई में हर चीज़ ग्लोसी है। तो उसका शुक्र ग्रह बहुत ज़्यादा जागृत है तो वो कामयाब होते हैं। इसलिए बहुत ध्यान से सुनिए, जब भी शुक्र ग्रह की महादशा आती है, उपल धारण कर सकते हो, जैसे सफ़ेद उपल, जैसे जिसमें पूरे ग्रह की लश्कोर हो, जैसे नीली, लाल, पीली, हरी, सब तरह की, जैसे जिसको बोलते हैं मल्टी कलर, जैसे कि मल्टी कलर का उपल मैंने ये धारण कर रखा है। तो देखिए, तो मल्टी कलर का उपल धारण कर सकते हो, डायमंड धारण कर सकते हो। डायमंड वैसे बारीक बारीक डायमंड काम नहीं करते भाई, या तो बड़ा डायमंड हम ले नहीं सकते भाई, 5-6-7-8 लाख का कहाँ लेंगे आप, 4-5 कैरेट का। इसलिए डायमंड को भूल जाइए, उपल धारण कीजिए जो सस्ता होता है और डायमंड से कहीं ज़्यादा वर्क करता है। लेकिन अगर डलता है तब डालना, ऐसे नहीं डालना बिल्कुल भी। और सफ़ेद कलर की प्रयोग कीजिए। अब आई बात शनिदेव की, वाह बहुत ध्यान से सुनिए। जैसे कि देवों के देव महादेव, ऐसे ही ग्रहों में शनिदेव जिसके पास जाते हैं उनको देके ही आते हैं। कहते शनि की महादशा आ गई, बर्बाद हो जाओ, खराब हो, कुछ भी नहीं ऐसा होता। शनि की महादशा आती है, अय्याशी छोड़िए, गलत काम छोड़िए, मजदूरों का हक मजदूरों को दीजिए, काम पे आप जाइए और सब किससे प्यार कीजिए। शनिदेव बस यही चाहते और कुछ नहीं चाहते। शनिदेव कहते हैं आप अपने समय से काम से जाइए, क्योंकि उसके पिता का उसका पिता कौन है? सूर्यदेव समय का देवता उसका पिता है, तो वो समय के पाबंद होते हैं। शनिदेव बूढ़े हैं लेकिन चिड़चिड़ा स्वभाव है शनिदेव का, कहते गलती माफ नहीं करते।
शनिदेव गलती माफ नहीं करते, इसलिए आपने अय्याशी नहीं करनी, शराब का सेवन नहीं करना, जितना दूर जाते जाओगे उतने ही कामयाब होते जाओगे, खाने पीने से दूर रहना है, बाहर जाकर बिल्कुल नहीं खाना पीना आपने, अपने जितने भी मजदूर हैं उनका इज्जत मान सम्मान करना है, उनको उनका हक देना है, उनकी पूरी तनख्वाह देनी है, तो शनिदेव कभी ज़िंदगी में खराब नहीं होते भाई। तो उसके लिए उपाय क्या करना है, शनिवार के दिन ब्लैक कलर की शर्ट डाल सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। आपने शनिदेवार को क्या करना है, कोशिश किया कीजिए आप शमशान घाट के मंदिर में जाइए शनिवार के दिन, वहाँ उर्द की दाल साबुत उर्द जो होते हैं 800 ग्राम देकर आइए, तो शनिदेव कभी भी खराब नहीं देंगे। हाँ कभी कभी आप क्या कर सकते हो कि ब्लैक कहते हैं राख का तिलक, राख का तिलक क्यों मैंने बताया, क्योंकि जब भी शनिदेव भक्ति करने गए थे तो भोले शंकर के पास गए थे, तो भोले शंकर के पास तो राख ही होती है, तो वो वहाँ पे जाकर राख का तिलक लगा के आते थे, तो शनिवार के दिन राख का तिलक लगाइए। अगर शनिदेव को खुश करना चाहते हो नीलम धारण कीजिए, जैसे मैंने दो नीलम धारण कर रखे हैं, नीलम धारण कीजिए। नीलम से क्या होता है, शनिदेव धैर्य देते हैं, जिसके पास धैर्य होता है लक्ष्मी उसी के पास ही जाती है, तो धैर्य देते हैं, आपको जल्दबाजी से रोकते हैं शनिदेव, तो जितनी जल्दबाजी करोगे उतने ही आप डाउन होते जाओगे, तो धीरे धीरे आपको बहुत बड़ा करते, जो बुजुर्ग होते तक जितना भी शनिदेव ने दिया वो रहता है, मरते दम तक रहता है शनि का दिया हुआ। तो आपने नीलम स्टोन धारण करना है, शमशान घाट के मंदिर में उड़द की दाल देकर आनी है, शनिवार के दिन ब्लैक कलर की शल डालनी है, राख का तिलक लगाना है, तो देखिए शनिदेव कितना बड़ा आपको फल देते हैं, और जिंदगी में जो कुछ देते हैं वो दिगना तिगना चौगुना चार गुना होता जाता है। अब बात आई राहुदेव, राहुदेव जब भी आते हैं प्लान बनते हैं, होता कुछ नहीं है, प्लान आप बनाते, मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, वो करूँगा, होता कुछ नहीं है राहु की मार्शा में। जितने प्लान अगर राहुदेव अच्छा हुआ आपका, जैसे कि मेरा राहुदेव छठे में है, तीसरे घर में राहुदेव आ जाए, छठे घर में राहुदेव आ जाए, ग्यारहवें घर में राहुदेव आ जाए, बहुत अच्छे होते हैं। तो अगर कहीं राहुदेव यहाँ पर बैठे हुए हैं, अगर राहु की मादशा आ गई तो करोड़पति बनने वाले हो भाई, जो आपके मन में भ्रम पैदा कर दिया वो आप बन जाओगे। तो राहुदेव अच्छे कब होते हैं, जब आप शुक्र जैसे हो जाते हो, बन ठन के रहने वाले, वाइट शर्ट डालने वाले, धोखा किसी के साथ नहीं करना, क्योंकि राहुदेव धोखे के कारका चोरी चकारी दिमाग में राहुदेवी डालते हैं। अगर इन चीज़ों से दूर रहते हो तो राहुदेव गुरु जैसा शुक्र जैसा असर करना शुरू करते हैं, अपने गुरु जैसा, क्योंकि राहु शुक्र का चेला, तो शुक्र से ज्यादा देते हैं। अगर राहुदेव की महादशा अंतरदशा आ जाए तो शुक्र जैसे बन जाइए, वाइट कपड़े डालिए, वाइट काम कीजिए, परफ्यूम लगा के रखिए। तो आपने क्या करना, सफ़ेद चंद्र का तिलक माथे के ऊपर लगाना है, अगर किसी को चांदी की गोली डलती है तो चांदी की गोली डालिए, अगर किसी को चांदी का चौरस टुकड़ा डलता है चौरस टुकड़ा डालिए। देखिए दोनों को, हर इंसान को एक ना एक चीज़ डलती है, जैसे मैंने चौरस टुकड़ा डाल रखा है, हर इंसान को कुछ ना कुछ डलता है, जब भी राहु की मादशा या अंतरदशा आती है भाई, अगर आप ऐसा करते हो तो राहुदेव की मादशा अंतरदशा कभी खराब नहीं जाती। अब आई बात केतुदेव, केतुदेव की मादशा जब भी आती है तो क्या करती है भाई, किसी ना किसी बुजुर्ग को घर से ले जाती है, किसी ना किसी बुजुर्ग घर से चला जाता है, कोई ना कोई लंबी बीमारी आ जाती है, कुछ ना कुछ आपके घर में जो बीमारियां नहीं थी जो सुनी नहीं थी वो आपके घर में आ जाती हैं, आपके घर में जितने भी बच्चे होते हैं वो बीमार पैदा होते हैं, तो आपके घर में बीमारियों से घिर जाते हो केतु की मादशा आने से। तो केतु अगर अच्छा है तो कभी बीमारियां जो चल रही थी वो दूर हो जाती हैं। तो केतु को अच्छा कैसे करना है भाई, जितना भी कवाड़ घर में रखा हुआ है घर से निकाल दीजिए, घर में कवाड़ नहीं रखना, कवाड़ का कारका जितना भी प्रेस खराब, कोई भी जूती खराब, कोई भी घर पे चीज खराब पड़ी है उसको निकाल दीजिए। कई दफ़ा मोटरसाइकिल पुराने पड़े होते हैं घर पे चलाता कोई नहीं, खराब हो जाते हैं, गल जाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें खराब हो जाती हैं, कोई भी लोहे की चीज़ जब खराब हो जाती है तो ऐसे में क्या होता है भाई, ऐसे में केतुदेव खराब हो जाते हैं। तो घर से निकालिए आप, केतु आपके नानके होते हैं, तो दाद का राहु होता है, केतु वैसे मंगल भी नानके होते हैं। तो आपने क्या करना है, सबसे आसान उपाय बता रहा हूँ, काले सफ़ेद तिल आपने धार्मिक स्थान पर चढ़ा के आ रहे हैं, जिससे आपका केतुदेव अच्छा हो जाए। अगर केतुदेव को प्रसन्न करना चाहते हैं तो गुरुवार के दिन काली सफ़ेद शर्ट, जिसमें सफ़ेद शर्ट और काले दाने हों, या काली शर्ट और सफ़ेद दाने हों, काले सफ़ेद रंग की शर्ट पहनिए गुरुवार के, गुरुवार केतुदेव कभी खराब नहीं होंगे।
तो माथे पे सफेद चंदन का ही तिलक लगाना और कोई नहीं लगाना। हाँ, अगर पैसों की दिक्कत नहीं है तो गुरु का केसर का तिलक लगा सकते हो। तो ऐसा करने से कभी भी किसी भी ग्रह की दशा खराब नहीं जाती भाई। अभी अभी मैंने आपको बताया सभी दशाओं के बारे में, लेकिन शॉर्टकट में ये तो 1% नहीं थी जो मैंने दशाओं के बारे में समझाया। अगर मैं बारीकी में बताऊं तो पिछला एपिसोड हमारा देखो कैसे निकल गया गुरु का, और भी बहुत सारी बातें हैं। जैसे जैसे शेफाली जी हर बात के बारे में पूछते जाएंगे, वैसे मैं आपको शॉर्टकट में जवाब देता रहूँ। प्रोफेसर, बहुत अच्छा ज्ञान दिया आपने महादशा अंतरदशा के बारे में, और मुझे लगता है कि एक भी बार आँख छपकाने का हमें मौका नहीं मिला कि कैसे हमारे जीवन में दशा महादशा के तरीके से हम अपने रिश्ते नातों को ठीक कर सकते हैं। जैसे सूर्य की महादशा आए तो हम पिता का आशीर्वाद ले सकते हैं, चंद्र की महादशा आए तो माता या माँ समान स्त्रियों का आशीर्वाद लेकर हम अपने चंद्र ग्रह को ठीक कर सकते हैं। अगर बुध की महादशा आए, बहन बुआ मासी को मिठाई का डब्बा देकर हम बुध ग्रह को ठीक कर सकते हैं। अगर शुक्र की महादशा है तो अपनी पत्नी को खुश रखकर या वाइट कपड़े पहन के या परफ्यूम लगाकर अपनी महादशा को ठीक कर सकते हैं। अगर कहीं शनि की महादशा आए तो हमें धैर्यवान बनाती है, तो कैसे हम दूसरों के साथ न्याय करें, हमारी जो जितनी लेबर है वो कैसे टिकेगी, ये शनि की महादशा हमें सिखाती है। अगर और भी जानकारी लेना चाहते हैं आप दशा महादशाओं के बारे में, ग्रहों के बारे में, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि आज का वीडियो जो है वो बहुत ज़्यादा यूजफुल है, क्योंकि कोई ना कोई महादशा किसी ना किसी इंसान को लगी हुई है, और कैसे हम चीज़ों से परहेज करके अपनी महादशा को ठीक कर सकते हैं। तो हम और भी जानकारी लेकर आपके सामने हाजिर होंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही। ओम नमः शिवाय।